दोस्तों अगर आप भी भारत की महिला टीम की जीत से खुश हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट क्रिकेट इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज की वीडियो में आप दिखाएंगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुए T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट के बड़े अंतर से रन दिया। दोस्तों हम आपको दिखाएंगे पूरे मैच का हाईलाइट, प्लीज़ वीडियो बने रहें। दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ आया दीप्ति शर्मा का तूफान। दोस्तों इस खिलाड़ी ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3-3 विकेट लेकर भारतीय टीम को जीत दिलाई है। दोस्तों मैं आपको दिखाएं पूरे मैच का हाईलाइट, प्लीज़ वीडियो में बने रहें और मैच को अंत तक देखें। दोस्तों इससे पहले आप हमें बताएं भारतीय की महिला टीम और वेस्ट इंडीज की महिला टीम में सबसे बेहतरीन टीम कौन सी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अभी भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ हुई T20 वर्ल्ड कप के एक T20 मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेट से रन दिया था और भारतीय टीम ने पहले T20 वर्ल्ड कप में पहले जीत दर्ज की थी पाकिस्तान को हराकर। अब उसके बाद हुए वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 मैच में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से रन दिया। दोस्तों हम आपको बताते हैं भारतीय टीम के कप्तान पे टॉस तो हार गए थे पर दोस्तों उनका साथ दिया भारतीय टीम के कप्तान और उनकी टीम ने। दोस्तों वेस्ट इंडीज कप्तान ने पहले टॉस जीतकर पहले ही बल्ले करने का फैसला किया जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम को पहला झटका दूसरे ओवर की पहली गेंद पर लग गया था। दोस्तों एक बार देख के लग रहा था कि भारतीय टीम वेस्ट इंडीज पे बहुत भारी पड़ेगी पर दोस्तों हम आपको बताएं टेलर और कैंपबेली की बैटिंग से भारतीय टीम को नतमस्तक होना पड़ा। दोस्तों टेलर ने 42 रन की पारी खेली तो कैंपबेली ने 30 रन की पारी खेली और भारतीय टीम को बहुत बड़ा झटका दिया। दोस्तों देखते ही देखते वेस्ट इंडीज टीम ने लक्ष्य 118 तक पहुंचा दिया। दोस्तों भारतीय टीम को लक्ष्य मिला 119 रन का। दोस्तों देख के लग रहा था भारतीय टीम एक बार लड़खड़ा जाएगी पर दोस्तों भारतीय टीम की बल्लेबाजी देख आप भी खुश हो जाओगे। भारतीय टीम की बल्लेबाजी सैफ अली वर्मा ने 28 रन का योगदान दिया, स्मृति मंदाना ने 10 रन का। सॉरी हम आपको बता दें अगले मैच में बहुत अच्छी पारी खेली थी टॉडी विडियोसन ने मात्र 1 रन बना के आउट हो गई। हरप्रीत कौर ने 33 रन की पारी खेली। प्रचार घोष ने जो अगले मैच में भी पारी को विनिंग मैच खेली थी पारी खेली थी उन्होंने मैच को जिताया। प्रचार घोष ने 44 रन की पारी खेली, भारतीय टीम को जीत दिला दी है। दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारतीय टीम की अब तक की सबसे बेस्ट जीत है। दोस्तों आप लोग कितने खुश हैं भारतीय टीम की जीत से, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि भारतीय टीम महिला टीम ने T20 वर्ल्ड कप ग्रुप बी में पहले पाकिस्तान को हराया अब वेस्ट इंडीज को हराया। दोस्तों भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के थोड़े और ही दूर है कदम, अब भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप को लेने वाली है। आप लोग कितने खुश हो भारतीय टीम अगर T20 वर्ल्ड कप को ले ली, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ लेटेस्ट क्रिकेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।